अस्सलाम वालेकुम और मेरे इंडिया के दोस्तों को नमस्ते। बैकग्राउंड अपडेट बताता चलूं कि मोहम्मद शमी और फॉर्मर क्रिकेटर इंजमाम उल हक, मोहम्मद शमी से आज उन्होंने पंगा लिया। हमारे क्रिकेटर यही चाहते हैं कि हम हर जगह फर्स्ट पे आ जाए, हर पोजीशन पे हम फर्स्ट पे आ जाए। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट यही कहते हैं, हम टीवी पे जाएं, पैसे कमाएं, बस यही काम है और उनका कोई भी काम नहीं होता ना। बस इंडिया इंडिया कोई मैच जीत जाए ना, बस इंडिया का बुराई करना है और कुछ नहीं काम है हमारे फॉर्मर क्रिकेटरों का। अब इंजमाम और को देखो, शमी ने कोई भी गलत काम नहीं किया भाई। शमी बोल रहा है अगर अगर हम आए इन फ्यूचर, हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए आए, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा रिवर्स स्विंग होता क्या है। रिवर्स स्विंग समझा रही है ना आपको इंजमाम हल्क? मरने पे हो भाई, कब्र में जाना है आपको। आप यंग टैलेंट से पंगा ले रहे हो, पागल हो या वैसे पैसे कमाने के लिए बस ये बातें करते रहते हो आप? ये तो हमें बता देना। और आप बोलते हैं 2023 के वर्ल्ड कप मैच में मोहम्मद शमी ने क्यों सजदा नहीं किया? भाई उसकी अपनी मर्जी, उसने नहीं किया तो क्या हुआ? आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग कर रहे हो, रिटायरमेंट हो गए, कुछ किया नहीं, अब दूसरों पर तनकीदें करना स्टार्ट हो गए आप लोग। कुछ खुदा का खौफ कर लो इंजमाम वर्क। हमारे इंजमाम की बात नहीं कर रहा मैं, रमेश राजा कर लो, वसीम अकरम कर लो, सारे ऐसे हैं। शायद अफरीदी तक ऐसे बोलता है ना, शुमन गिल नॉट सैम यू बेटर देन शुमन एंड जसवाल। जसवाल की परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी होगी ना, जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कर लें। और मैं ये बताता चलूं कि इंजमाम भाई अपने औकात में रहे, ठीक है ना? इंडियन प्लेयर का आपको कोई औकात नहीं और कोई हैसियत नहीं आप इंडियन प्लेयर को कुछ बोले, ठीक है ना? थैंक यू।